Very good morning to all of you, to especially Bhupinder sir and the audience present here. Welcome to this another episode of the Brain Week, where we'll have a discussion on why health insurance matters and the key benefits we'll be explaining here. तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी एक डेटा से. तो फोर्ब्स का एक डेटा है जो कहता है कि 2021 में इंडिया में ओनली 37% इंडियंस थे जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था, जो हेल्थ इंश्योरेंस से कवर थे. अब ये जो डेटा है ये हमारे अभी के लाइफस्टाइल को डराता है, इवन हमें डराता है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल हम आज के टाइम पर जी रहे हैं, वी डोंट नो दैट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट टू आवर हेल्थ, राइट. और इसीलिए हमारा ये समझना बहुत जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना कितनी बड़ी सिक्योरिटी है. और इसीलिए आज हम इस ब्रेनवी सेशन में आपको एक स्पीकर से मिलवाएंगे जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस बताएंगे, सो दैट यू कैन मेक वाइज डिसीजन अबाउट योर फ्यूचर. सो लेट्स इन्वाइट हिम टुगेदर, Mr. Bhupinder, who is leading GrowthSec with his great expertise on financial services. Welcome, sir. A warm welcome. Good morning. Hi. Okay. So I'll be beginning this session with a few questions which I'll be asking you regarding the benefits of health insurance. So, सबसे पहला question मुझे आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि health insurance हमें financial security provide करता है, और अगर हाँ तो कैसे financial security हमें provide करता है? ऑब्वियसली हेल्थ इंश्योरेंस हमारे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द अनसर्टेन टाइम्स इन केस ऑफ हेल्थ इमरजेंसी एंड ऑल अदर थिंग्स व्हेन यू आर इल और सम सफरिंग एनी क्रिटिकल इलनेस. हेल्थ इंश्योरेंस होता है इफ यू आर हैविंग द राइट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विद यू, देन यू आर एबल टू मीट द मेडिकल बिल्स इमिडिएटली. और ज़्यादा अच्छा प्लान है तो कैशलेस भी कर सकते हो. It helps you to prioritize your health and recovery without adding any extra cost to your pocket. Exorbitant जो medical bills आते हैं वो आपको झेलने नहीं पड़ते. Fine, thank you, sir. Let's bring next question here. तो ऐसा कहा जाता है कि health insurance जब हम खरीदते हैं तो हमारी ये savings को preserve करता है. आपने already इसे mention कर दिया है first question में, but I would like to know more about it कि ये बहुत बड़ा एक्सपेंस माना जाता है क्योंकि प्रीमियम पे करना हर साल, दैट्स इटसेल्फ इज बिग थिंग. तो आप इस पर क्या कहेंगे? इन माय ओपिनियन आई बिलीव कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना खर्चा नहीं है. दिस इज फॉर टू रीजंस. फर्स्ट रीजन इज दैट व्हेन यू आर पेइंग फॉर हेल्थ इंश्योरेंस यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू face unforeseen healthcare expenses. If you are having a right health insurance plan, it will protect you from financial burden of exhausting your savings during a medical emergency. It safeguards your hard-earned money from being consumed by medical bills and allows your savings to fulfill their intended purpose. Or dusra reason, like, yes, please continue. Another reason comes here is that जो आप खर्चा करते हो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम देने पे, वही आपको एक तरह से टैक्स बेनिफिट के लिए भी काम में आता है अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. तो आपको डबल सेविंग्स हो रही है इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी. एक तो आपको अपनी पॉकेट से पैसा नहीं देना पड़ेगा, जो आपने प्रीमियम भरा है उससे यू कैन गेट योर ट्रीटमेंट डन और द ट्रीटमेंट ऑफ योर फैमिली मेंबर. दूसरा, आपको इनकम टैक्स में भी बचत हो रहा है. So I would do like to know more about this tax benefit in my upcoming question. Let me bring one more question here. तो आपने एक चीज mention की है पहले भी कि cashless benefit हमें मिल जाता है अगर हम health insurance लेते हैं, तो ये कैसे possible है? Would you please elaborate it? Income tax act हमारे को individuals को एक छूट देता है कि आपने अगर जो भी कमाई कर रखी है उसके अंदर अगर आप अंडर सेक्शन 80D अगर आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, या फॉर सीनियर सिटीजन्स अपने पेरेंट्स के लिए, डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, तो खुद के लिए आप 25,000 रुपये सालाना छूट ले सकते हैं और पेरेंट्स के लिए आप 50,000 रुपये सालाना छूट ले सकते हैं. तो इन दिस वे आपको ये इनकम टैक्स में बेनिफिट करवा रहा है, आपकी सेविंग्स पे एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करता है. So you have explained tax benefit. So adding to it, like I also asked you about like cashless claim. So cashless claim, आपने mention किया था जैसे पहले. तो cashless claim
कैसे मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस में? लाइक यू मेंशन कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, यू रादर देन इफ यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस, तो रादर देन पेइंग कैश देयर यू कैन गेट कैशलेस क्लेम आल्सो. सो हाउ इज दैट पॉसिबल? इट हैपन्स लाइक दैट कि अगर आपके पास पॉलिसी है, कोई कैशलेस वाली पॉलिसी आपने ले रखी है, जनरली आजकल सारी पॉलिसी ही कैशलेस वाली होती है, एंड इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी यू विजिट द राइट नेटवर्क हॉस्पिटल, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल है, एफिलिएटेड हॉस्पिटल में अगर आप विजिट करते हैं तो आपको अपनी एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू शो योर पॉलिसी, और पॉलिसी दिखा करके दे हॉस्पिटल पीपल एडमिट यू एंड दे स्टार्ट गिविंग यू मेडिकल ट्रीटमेंट। तो कोई अगर कोई कोपे वगैरह का अगर कोई कंडीशन लगा हुआ है तो आप 5% 10% आपको कोपे करना है, अदरवाइज आपको अपना 1 लाख रुपए का अगर आपका बिल आता है तो आपका 1 लाख रुपए पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी विल बी डायरेक्टली पेइंग टू द हॉस्पिटल नेटवर्क, आपको अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ता। हाँ, कोई छोटा मोटा खर्चा होता है अगर आपकी पॉलिसी में, जैसे कोई कंज्यूमेबल्स हैं और है, कवर नहीं है, तो दैट यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट, बट ऑल दैट वेरी स्मॉल अमाउंट्स एज कम्पेयर टू द मेन ट्रीटमेंट बिल्स। Okay, so that because that is part of exclusions actually, right? Okay, thank you sir. Bringing ahead my next question, तो ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो तो किसी भी डिजीज को अर्ली डिटेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर हाँ तो ये कैसे पॉसिबल आपको सब पता है है? एक्चुअली। नाउ डेज इंश्योरेंस कंपनीज हैव आल्सो बिकम वेरी स्मार्ट एंड वेरी कॉम्पिटिटिव विद द कस्टमर्स। दे वांट कि हमारे कस्टमर्स का इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी और एनी मेडिकल इलनेस, क्रिटिकल इलनेस, इट इज डिटेक्टेड एट अर्ली स्टेज, सो दैट एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनी को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो और कस्टमर को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इन द फर्स्ट फेज ओनली इटसेल्फ कंपनीज आर प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल चेकअप टू द कस्टमर्स वंस इन अ ईयर, रूटीन चेकअप के लिए वो देते हैं, और दैट इज अ कम्प्रीहेंसिव बॉडी चेकअप। अगर कोई भी डिजीज होता है, कोई इलनेस होती है, तो इट इज डिटेक्टेड एट अर्ली स्टेज, एक तो ये बेनिफिट हो जाता है। दूसरा है कि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, द लाइफ स्टाइल दैट वी पीपल आर लीडिंग नाउ डेज, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मोस्ट ऑफ द डिजीज। नाउ डिजीज आर नॉट, बीमारियां नहीं है, अब वो लाइफ स्टाइल डिजीज हो गई है। द वे पीपल कीप सीटिंग ऑन स्क्रीन फ्रॉम 9 to 6 in the 9 in the morning टू 6 in the evening कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, बाहर निकलो तो पॉल्यूशन रहता है, प्रेशर में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, इस कारण से उनको बीपी और शुगर रहता है, डायबिटीज हो जाती है, हार्ट डिजीज हो जाते हैं, तो ये सब चीजें भी होती हैं। तो इन सब कारण से प्रॉब्लम्स आती हैं दोनों। फिर अगेन इट सजेस्ट कि आप अपना थोड़ा प्री मेडिकल चेकअप करवाते रहें, तो अगर आप ये सब करवाते हैं तो आपको अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन हो जाता है, योर मेडिकल पॉलिसीज हेल्प यू कि आप एट राइट टाइम ही यू कैन गेट योरसेल्फ क्योर। थैंक यू सर. एंड यू राइट एब्सोल्युटली. ऑल्सो लाइक स्मोकिंग एंड एल्कोहल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ टूडेज लाइफ स्टाइल, डेफिनेटली राइट? डेफिनेटली दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स इट. ओके, मूविंग अहेड. सो आई आस्क यू कि इन्फ्लेशन इज ऑल्सो समथिंग लाइक जिसको हम रोक सकते हैं, दिस इज सेड इफ यू बाय हेल्थ इंश्योरेंस. तो कैसे कैसे इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है इफ यू बाय हेल्थ इंश्योरेंस? सी, इन्फ्लेशन जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, द रेट इज समथिंग अराउंड 14%। आई हैव रेड समवेयर इट इज समथिंग अराउंड 14%। और अगर इफ यू आर टेकिंग द राइट मेडिकल पॉलिसी, अपना राइट हेल्थ कवर आप लेते हैं, तो इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी यू आर हेजिंग योर सेल्फ इन एडवांस कि कोई भी अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, अनफॉर्चुनेट मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो कंपनी द इंश्योरेंस कंपनीज पेज ऑन योर बिहाफ फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट दैट यू हैव अंडरगॉन। और सिर्फ हम, व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड वी और यू, इट डजेंट मीन ओनली अन इंडिविजुअल, इट मींस द फैमिली फ्लोटेड पॉलिसीज। तो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बी कवर्ड अंडर दीज पॉलिसीज, और ये आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है इन्फ्लेशन का, इसमें यहाँ पे टेकन केयर ऑफ हो जाता है। एंड प्रीमियम्स आर वेरी नोशनल नाउडेज, ऐसा नहीं है कि एक मिथ है कि अगर 10-12 लाख रुपए की पॉलिसी लेंगे तो पता नहीं कितने हजार रुपए आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
प्रीमियम्स आर नॉमिनल, 6-7 हज़ार रुपये से प्रीमियम में चालू हो जाते हैं। इससे ज्यादा तो हम वैसे ही खर्चा करते थे। इट इज हार्डली समथिंग 500 रुपीज अ मंथ। तो पीपल डू नॉट परसीव इट इन अदर वे, वो यही देखते हैं अरे 7 हज़ार रुपये देना पड़ेगा, अरे 8 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। दे डू नॉट सी इट इज हार्डली 500 रुपीज पर मंथ, जिसके अंदर की वो इतना बड़ा कवर ले रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली को बचा रहे हैं। यू आर राइट. ऑल्सो लाइक आई से वन मोर थिंग कि नो पे बोनस है जो अगर आप पे नहीं लेते हो किसी पर्टिकुलर ईयर में तो परफेक्ट कंपनी परफेक्ट, आपको भी ऑफर करती है, राइट? सो दैट नो इज क्लेम इवन बोनस भी है, रिटेन. एंड दे आर गिविंग सुपर टॉप अप भी दे रहे हैं नेक्स्ट ईयर प्रीमियम में। हाँ ओके ओके. एंड वेयर द सम इंश्योर्ड इज इंक्रीज, इज दैट सो? या ओके नेक्स्ट ईयर कवरेज भी बढ़ा करके दे देते हैं अगर आप क्लेम नहीं लेते तो। ओके ओके. थैंक यू सर. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट टैक्स बेनिफिट व्हिच यू हैव like which you have already explained, so I will move ahead. So do you think that any other family protection is provided by health insurance? तो अगर हम health insurance खरीद लेते हैं और कौन से protections हैं जो हमें हमें हमारी family को मिलते हैं by it? कैन यू प्लीज रिपीट? या सो लाइक ऐसा लोग कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलता है या आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, तो क्या ये सच है? और यस, अगर आई सच थिंक है तो कितना एब्सोल्युटली सच ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। इफ यू रियली लव योर लव वंस, देन यू शुड टेक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज विद द फैमिली फ्लोटर कंडीशन, और ये बहुत ही अच्छा रहता है। इट इज अ स्मार्ट चॉइस दैट ऑफर्स अ सिंगल सम इंश्योर फॉर एवरीवन, फ्रॉम योर पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, फ्रॉम योर स्पाउस टू अदर फैमिली मेंबर्स। आई बिलीव दिस वे यू इंश्योर दैट यू आर इन एडवांस टेकिंग इंश्योरिंग दैट यू प्रोवाइड टॉप नॉच मेडिकल केयर टू योर फैमिली मेंबर्स। So buying like family floater is something that has a like combined sum insured to be used by everybody, Yes, right? exactly. Okay. Okay. Also, sir, I'll add one thing. Like I have like even read this that buying health, क्योंकि कई बार क्या होता है, इवन एक एग्जाम्पल है मेरे ही कॉलिग्स का. सो इन कोरोना वायरस हर ग्रैंड मदर शी गॉट इल एंड दे डिड नॉट शी डिड नॉट हैव हेल्थ इंश्योरेंस. तो उसके बाद क्या हुआ कि इनकी जितनी भी सेविंग्स थी जो उन्होंने इतने सालों से बचा कर रही रखी थी वो सब डिस्ट्रॉय हो गई. द सेविंग्स विच दे हैड फॉर यू नो फॉर मैरिज पर्पस ऑफ चिल्ड्रन और द फॉर हायर स्टडीज, तो वो सब डिस्ट्रॉय हो गई है. नाउ इट वॉज जस्ट अ रिग्रेट. सो आई थिंक इट्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंस की फैमिली को ये एक्चुअली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियली, राइट? प्रभु ओके. जी, ये तो लेना ही थैंक यू चाहिए। सर. मतलब लेट्स पीपल आर सॉरी, पीपल आर टेकिंग इंश्योरेंस फॉर देयर व्हीकल्स जस्ट बिकॉज इट इज मैंडेटरी बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज नॉट टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी फॉर द इंडिविजुअल्स हियर इन इंडिया, दैट्स व्हाई पीपल आर अवॉइडिंग इट। अदरवाइज जब हम कार का ले सकते हैं, स्कूटर का, बाइक का ले सकते हैं, तो अपनी परवाह नहीं करते, अपनी फैमिली की नहीं, एग्जैक्टली हमारे तो खुद को हमें पहले लेना चाहिए। इवन ह्यूमन लाइक लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ व्हीकल, राइट? यस, सो दैट्स इवन कंपल्सरी. अग्री. थैंक यू सर. ओके सो आई टॉक अबाउट वन मोर डेटा वेयर लाइक एज आई मेंशन इन द बिगनिंग ओनली कि 37% ऑफ पीपल इज हमारे कंट्री में इट वॉज नोटेड इन 2021 कि सिर्फ 37% लोग ही इंश्योरेंस से कवर्ड हैं इन इंडिया. सो व्हाट वुड यू से ओवर इट कि इवन हेल्थ इंश्योरेंस जैसे आपने बोला इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसका एक्चुअल रीजन क्या है व्हाई पीपल डोंट बाय इंश्योरेंस इवन इट्स चीपर एंड इवन इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट आई वुड से मोर ऑन. ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि पीपल ओवरलुक देयर डिजीज, वो एक एज्यूम करके चलते कि नहीं हम वो तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, तो उसका एक सबसे पहला तो कारण ये हो जाता है, अदरवाइज एक बहुत बड़े इल्यूजन में ही जी रहे हैं कि नहीं मेरे को कुछ नहीं हो सकता, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, मैं तो सही चल रहा हूँ। तो दे डू नॉट गेट एनी मेडिकल रूटीन मेडिकल चेकअप्स एटलीस्ट वंस इन अ ईयर जो करवाना चाहिए। तो एक तो ये हो जाता है। देर आर सेवरल अदर रीजन्स ऑल्सो कि लैक ऑफ अवेयरनेस है कि उनको पता ही नहीं है कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं, या ये मैंडेटरी नहीं है इस कारण से नहीं लेते जैसा अभी हमने बोला। थर्ड, यू कैन से एक मिथ है कि इट इज वेरी कॉस्टली,
बहुत महंगा होगा, मतलब कि इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, जैसे आप हम अपने एसएमसी के पोर्टल पे ही देखते हैं, एक बार लॉग इन कीजिए, सारे पॉलिसीज वहाँ पे सामने के सामने आती हैं, कंपेयर कीजिए प्लान्स, सिंगल क्लिक पे आप तुरंत पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो एक मिथ है कि बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, एक ये रीज़न हो जाता है। पास्ट में क्लेम्स यूज टू बी वेरी डिफिकल्ट, अब नाउ डेज कंपनीज आर डिस्प्लेइंग कि उनका 99.2% क्लेम रेशियो है, 99.5% क्लेम रेशियो है। तो एक मुझे डर था कि करवा लेंगे लेकिन कुछ मिलना तो है नहीं। तो आईआरडीएन के जो निगरानी में सब चीज़ें हो रही हैं तो बहुत अच्छी हो गई हैं। और एट टाइम्स क्या हो जाता है कि पॉलिसीज जो आती है ना, इतनी बड़ी पॉलिसी होती है, उसका पॉलिसी नोट इतना बड़ा होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी सारी लिखी होती हैं, कोई सडन डिजीज आर कवर्ड आफ्टर 2 ईयर, सडन डिजीज आर कवर्ड आफ्टर 3 ईयर, प्री एग्जिस्टिंग होगा नहीं होगा, प्रेगनेंसी बेनिफिट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, चीजें बड़ी क्लियर कट सामने के सामने नहीं होती। एमआईडी इज मिसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज मिसिंग इन केस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो एक थोड़ा सा ये भी रीजन हो सकता है। या एंड ऑल्सो लाइक यू सेड कि पहले जो कैश पहले क्लेम था वो डिफिकल्ट था, मुझे लगता है कि ये बहुत ही मेजर रीजन है, और लोगों को अभी भी नहीं पता है कि नाउ डेज थिंग्स आर वेरी मच सॉर्टेड. एज यू सेड आईआरडीआई ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, नाउ क्लेम्स रिक्लेम रेशियो इज समथिंग विच इज वेरी हाई. तो मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द रीजन्स, और ये जो मिथ्स हैं वी डू विल हैव टू लाइक चेंज दीज, ब्रेक दीज, लाइक वी आर डूइंग. वी आर जस्ट हैविंग दिस सेशन बिकॉज सो दैट ऑडियंस अंडरस्टैंड्स दिस by your help, by the people who join us in the session. So definitely. Okay, sir, Such so just I'm education and dealing. awareness programs are desperately needed. Yeah, exactly. So moving ahead, तो हमने ये problems की बात की है कि क्यों ऐसा हो रहा है. Now let's talk about the solution कि आप इस data को कैसे improve करना चाहेंगे और लोगों को health insurance खरीदने को promote करने के लिए क्या solution देंगे. शालू जी, सबसे पहला सोल्यूशन तो यही है कि एसएमसी का इतना अच्छा इंश्योरेंस का पोर्टल बना हुआ है और जिसपे ऑनलाइन जाकर के इजीली डिफरेंट प्लान्स हम कंपेयर कर सकते हैं विज़ाविज़ की कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें फैसिलिटीज ऑफर करती है, और अपनी नीड्स के हिसाब से अपनी केवाईसी करके हम आज क्या उसमें परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो सोल्यूशन यही अवेलेबल है। दूसरा ये है कि हमारे को समझना पड़ेगा, जो आपने एक इन्फ्लेशन की बात बोली थी, राइजिंग कॉस्ट की बात बोली है कि बाद में दिक्कतें आए उससे अच्छा है कि पहले ही हम अपने अपने आप को हेज कर लें इसको लेकर के, और ये हमारी ड्यूटी है, हमें समझना पड़ेगा कि हाँ जी ऐसा नहीं है कि ये हमारे को अपनी सिर्फ सेविंग्स के हिसाब से करना है या हमारे को इनकम टैक्स बचाने के लिए ही करना है या गवर्नमेंट की कंडीशन होगी कंपलसरी होगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं चल रहा है अभी, या हमारे को तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो सब चीज़ छोड़ करके वी शुड राइज, दिस इज द टाइम दैट वी शुड वेक अप एंड अंडरस्टैंड आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर फैमिली, एंड वी शुड वी मस्ट डेफिनेटली गो फॉर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। Exactly. I do agree, sir, and I think awareness is very important. And for this only, once we like, I would do suggest audience to share this link of the session with others also, so that they can also get awareness. So thank you, sir. This was the thing that what I wanted to ask you. I am really thankful that you joined and you gave your time to us to be part of this session. Thanks a lot. Very, very much. Thank I you. am also thankful to you. Thank you. Okay.